खुल ही नहीं रहा। हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय चैनल सौम्या लाइफ स्टाइल एंड मैं हूँ सौम्या। सो आज मैं आप लोगों के साथ एक न्यू टॉपिक पे वीडियो शेयर कर रही हूँ कि हाउ मैं अपना मेकअप कैसे रिमूव करती हूँ, मेकअप रिमूव करने के बाद क्या करती हूँ, कैसे स्किन केयर करती हूँ अपना। सो आज मैं इस टॉपिक पे आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। मुझे लगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हम क्या कहते हैं, कई लोग जिनको नहीं मालूम होता वो मेकअप तो कर लेते हैं, बाकी मेकअप करने के बाद जब उसे रिमूव करने की चांस आती है तो अपना डायरेक्ट जाके फेस को वॉश कर लेते हैं। ऐसे हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सो आज हम देखेंगे कि हमें किस तरीके से अपनी स्किन को स्किन केयर करना चाहिए, मेकअप रिमूव करना चाहिए। सो लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं अपनी ज्वेलरी जो भी मैंने वेयर की है ये मैं उतारूंगी। सो खुल ही नहीं रहा है। टूट ही ना जाए। फाइनली तो गाइस आप लोग बताइए मेरी ज्वेलरी कैसी लगी आपको। ये मैंने लोकल मार्केट से ही बाय की थी। ज्वेलरी वगैरह मैं ऑनलाइन ही परचेस करती हूँ। तो गाइस मैंने अपनी ज्वेलरी है जो है ये रिमूव कर ली है। अब मैं क्या करूँगी, लूँगी एक वाइप, क्लीन वाइप लेना है। देन उससे मैं अपने जितना भी मेकअप है उससे रिमूव कर लूँगी कुछ इस तरीके से। देन गाइस मैं ले रही हूँ एक बेबी ऑयल, ये जॉनसन बेबी ऑयल है, तो इसे मैं थोड़ा सा अपने हैंड पे ले लूँगी कुछ ड्रॉप्स। देन इसके बाद इसे अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी, लिप्स पे भी। गाइस बहुत अच्छे से पूरा मेकअप ये रिमूव कर देते। सो गाइस मेकअप रिमूवर बहुत सारे अवेलेबल हैं मार्केट में, पर कुछ महंगे आते हैं, अफोर्डेबल प्राइस में भी आते हैं, बट मैं उतना ज़्यादा मेकअप करती नहीं हूँ तो मैं ऐसे ही ऑयल से ये से अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। सो गाइस मैंने अच्छे से ऑयल से अपने फेस में मसाज कह सकते हैं मसाज कर ली है। देन एक वाइप की हेल्प से आप जो भी टिश्यू वगैरह लेके इसे अच्छे से ऑयल को पूरा क्लीन कर लें। आप कॉटन भी ले सकते हैं। देखिए सो गाइस यहाँ पे मैंने अपने फेस को इसे अच्छे से क्लीन कर लिया है। आप इसकी हालत देख सकते हैं, सारा मेकअप जो है वो इस पर आ चुका है। देन मैं अपने फेस को अच्छे से फेस वॉश से वॉश कर लूँगी और मिलते हैं क्लॉथ चेंज करने के लिए। सो गाइस मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिए हैं, अपना फेस भी अच्छे से नीम फेस वॉश से वॉश कर लिए हैं। हिमालय नीम फेस वॉश मैंने यूज़ किया है। देन मैं सबसे पहले यूज़ कर रही हूँ टोनर, गुड वाइब्स का टोनर। मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, मुझे बहुत पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सो मैं इसे यूज़ कर रही हूँ अपने पूरे फेस पे। टाइपिंग लोशन में अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। एक दो मिनट का वेट करेंगे ताकि अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए स्किन में।
इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे पीच मिल्क सॉफ्ट क्रीम। ये क्रीम भी बहुत अच्छी है, आप लोग इसे ट्राई कर सकते हैं। देन आई एम यूजिंग लिप बाम, आप कोई भी अपना फेवरेट लिप बाम यूज कर सकते हैं। सो मेकअप रिमूव करने के कुछ सिंपल से स्टेप्स होते हैं जिन्हें आप भी फॉलो करें, डायरेक्ट अपना फेस वॉश ना करें मेकअप रिमूव करने के लिए। बस सिंदूर रह गया है, वो मैं अंदर जाके लगाऊंगी क्योंकि मेरे पास अभी यहाँ पे है नहीं। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।